ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਵਰੀਵਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਲੌਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਰੇਕੋਂਗਪਿਓ ਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਹਮ ਨਾਕੋ ਵਿਲੇਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਕੋ ਵਿਲੇਜ ਔਰ ਨਾਕੋ ਲੇਕ ਹਮਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਆਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਅਬ ਨਾਕੋ ਸੇ ਹਮ ਲੋਕ ਆਗੇ ਕੀ ਤਰਫ ਬੜੇਂਗੇ। ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਗਿਊ ਮੋਨੇਸਟਰੀ ਆਏਗਾ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਮੀ ਹੈ, ਵੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗੇ ਤਾਬੋ ਆਏਗਾ। ताबो विलेज भी देखने लायक है, वो देखेंगे क्योंकि वहाँ पुरानी पुरानी मोनेस्ट्रीज है, केव्स है। तो उसके बाद सीधा हम आगे काजा जाएंगे। तो चलो फिर करते हैं जर्नी की शुरुआत। हाँ जी, तो हम निकल रहे हैं नाको विलेज से। हम लोग यहाँ से आए थे लेफ्ट से और यहाँ स्ट्रेट जाना है। थोड़ा रफ पैच आ गया है रोड का और शूटिंग स्टोन जोन है, ये भी काम चल रहा है। अब तक तो रोड बहुत अच्छी थी, ये पैच पता नहीं कितना लंबा है। देखिए कितनी ज्यादा हाइट पे हम लोग, कोई रेलिंग नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। ये पहाड़ देखो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि कोई रेत के टीले हों, पर ये पहाड़ों का कलर ऐसा है तो ये पत्थर ही पत्थर के पहाड़, पर एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे राजस्थान के कोई पहाड़ हो। तो पहाड़ के बीच बनी हुई है वो मॉनेस्ट्री कोई? हाँ जी, वो है ये सभी मॉनेस्ट्री। नहीं नहीं, बहुत देर बाद हम पहाड़ से नीचे आ गए, काफी नीचे आ गए हम लोग, और साथ में रिवर फ्लो कर रही है। जी तो वहाँ काफी ऊपर से हम लोग यहाँ नीचे आए हैं, और नीचे आते ही देख लो रिवर व्यू कितना ब्यूटीफुल, कितना क्लियर वाटर है, और एकदम ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। क्योंकि जब धूप में होते हैं ना, यहाँ बेशक मौसम और टेम्परेचर कम है, लेकिन जब धूप में हम होते हैं धूप एकदम तीखी सी लगती है, चुभती है धूप। अब छांव में मैं खड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है, प्लेजेंट लग रहा है। बोर्ड लगाया जी, वेलकम टू ग्राम पंचायत ग्यू, और ग्यू में ही मॉनेस्ट्री है जहाँ पर मम्मी है, और इस जगह का नाम है सुमदो। बस यहाँ से हमने डायवर्जन लेके ग्यू मॉनेस्ट्री की तरफ जाना है, और सामने फिर से मुझे चेक पोस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ भी एंट्री करानी होगी। हाँ जी, तो ये है सुमदो और एंट्री में करवाया। जी तो सामने रोड का डायवर्जन आ रहा है, अगर तो हम लेफ्ट लेंगे तो जाएंगे सीधा काजा, लेकिन राइट लेंगे तो ग्यू मॉनेस्ट्री आएगी। आप ये बोर्ड देख सकते हो यहाँ पर, ये ग्यू टेंपल पे वेल प्रिजर्व मम्मी है, ये आप देख सकते हो मम्मी की फोटो। तो ये 500 साल पुरानी मम्मी है इस मॉनेस्ट्री में। तो चलो चलते हैं, ये एंट्री गेट है, और इस पॉइंट से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाके वो मॉनेस्ट्री है, ग्यू मॉनेस्ट्री। हाँ जी, तो हम लोग पहुंच गए ग्यू विलेज। यह है ग्यू विलेज, और बस मॉनेस्ट्री की बस आने वाली है सामने। ऊपर पहाड़ पे मुझे मॉनेस्ट्री दिखाई दे रही है, यह है वो मॉनेस्ट्री। ग्यू मॉनेस्ट्री के लिए आपको एंट्री टिकट पे करनी होगी, 30 रुपीज पर पर्सन, बच्चों का टिकट नहीं है इसमें, फ्री है बच्चे। और ये सामने आ गई जी मॉनेस्ट्री, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना सुधाबर।
तो हम पहुंच गए ग्यू मॉनेस्ट्री। जी तो हम पहुंच गए ग्यू मॉनेस्ट्री और बहुत तेज हवा चल रही है और व्यू देखिए आप यहाँ से, तो ब्यूटीफुल व्यू है। बस चलते हैं अंदर और देखते हैं 500 साल पुरानी मम्मी। और यहाँ पर मम्मी के बारे में लिखा गया है कि संगा तानजिन मम्मी है, ये बौद्ध भिक्षु थे। संगा तानजिन मम्मी का खोज भूकंप के कारण हुआ था। वहाँ 6 स्तूपा थे जो सन 1975 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गए थे। 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे, उसी खुदाई के समय पर उनका खोज हुआ। सन 2002 में यूएसए के शहर कैलिफोर्निया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मम्मी पर रिसर्च करने गांव में आए। उन्होंने कार्बन 14 डेटिंग से ये पता लगाया कि वह सन 1430 ईस्वी से तपस्या के आसन में थे और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार का रासायनिक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये है जी मॉनेस्ट्री और जो मम्मी है वो इस रूम में है। तो शूज उतार के हम जाएंगे। ये देखिए मम्मी, तो ये है जी 500 साल पुरानी बुद्धिस्ट मॉन्क की मम्मी। जोरावर, ये है वो मम्मी। अच्छा। 500 ईयर्स ओल्ड देखिए क्या कितनी ओल्ड मम्मी है ना। जी। देखो गौर ना, बाल है अजय भी देखो साइड से दिख रहे हैं ना, जेड़ा दिखे ना कितने और मम्मी है ना अभी भी बाल है इन पर। देख सकते हो पुराने जमाने की मम्मी, ये देखो 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी है ये। और पीछे से बाल भी है। ये है मॉनेस्ट्री और मॉनेस्ट्री के साइड में ये रूम बना गया है, यहाँ पर मम्मी स्थापित है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत शांत जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर। कुछ देर अंदर बैठ के मैंने ध्यान भी किया, बहुत शांति मिली, बहुत शांत जगह है और सच में मन को शांति मिलती है आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। मॉनेस्ट्री का अंदर से काम चल रहा है। जरा किद्दा लग गया देख के, है ना? 500 ईयर्स तो वो मम्मी इतना ही है मेडिटेशन की पोजीशन च, 1430 तो। और उन्होंने तो इधर दिखाया। हाँ जी। रेड फॉर्स की थोड़ी सी। हाँ जी, तो आप ग्यू मॉनेस्ट्री से चलते हैं आगे।